सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए इनको भी खोलने की छूट दी गई है फेज वन में। आपको लगता है कि इससे तमाम तरह के जो व्यवसाय हैं अब उनको कह सकते हैं कि एक व्यापक स्तर पर विभिन्न व्यवसाय हैं जिनको अब आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की एक छूट है, तो इससे एक बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि अभी तक जो बात की जा रही थी उद्योग जगत के उद्यमियों के द्वारा भी, वो यही बात की जा रही थी कि कुछ एक क्षेत्र हैं जो नहीं खुले हैं, तो सप्लाई चेन्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी। आपको लगता है कि अब वो बाधाएं भी दूर हो सकती हैं अनलॉक वन के जरिए? ये अनलॉक वन के जरिए ये बाधाएं दूर हो सकती है, और इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होगा स्टेट्स का, क्योंकि ये जो निर्देश दिए गए हैं स्टेट्स को थोड़ा सा वो लीवे देते हैं कि वो अपने स्टेट्स में अपने जो वो सोचते हैं कि अपने यहाँ वो कोविड कैसे फैल रहा है उसके जरिए थोड़े और आइटम्स उसको ऐड कर सकते हैं प्रोहिबिटेड लिस्ट में। अगर स्टेट्स कंटेनमेंट जोन को नैरो करें, घर पे या मोहल्ले पे लेके आए उसको टाइटली कंटेन करें, और कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अगर मॉल्स, शॉपिंग मार्केट्स और ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स उनको शुरू करें तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब एयरलाइंस शुरू हुए थे लोग एक शहर से दूसरे शहर बिजनेस पे नहीं जा रहे थे क्योंकि वो होटल्स बंद थे, होटल कहाँ ठहरे। तो अगर जो लोग जाकर के किसी और शहर में जाके बिजनेस भी करना चाहते थे उनके लिए दिक्कत हो रही थी। अभी होटल्स खुलना एक बहुत बड़ी बात है, और दूसरा जो रेस्टोरेंट एरियाज जो काफी लॉकडाउन के वजह से काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने से काफी उनके ऊपर असर पड़ा है, अब उनके खोलने के लिए वो बहुत लोगों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी। लेकिन साथ ही दिलीप जी, जैसा इस क्योंकि अनलॉक वन को हमें लॉकडाउन फोर से देखकर समझने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन फोर में भी बहुत सारी गतिविधियों को छूट मिली थी, खासतौर पे बाजार दुकानें खुल रही थी, आवाजाही लोगों की हो रही थी, हालांकि ग्राहक उस तादाद में नहीं आ रहे थे जो बाजारों से खबरें आ रही थी। लेकिन अब अगर आप उससे जोड़ के अनलॉक वन को समझने की कोशिश करें, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब उद्यमियों पर, उद्योगों पर, उद्योग चलाने वालों पर और साथ ही साथ जो ग्राहक हैं उन पर भी रहेगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का गंभीरता से पालन करें। आपको लगता है, अभी तक आपको फीडबैक मिला होगा लॉकडाउन फोर के बाद भी, कि आपको लगता है कि इस पर भी गंभीरता से कॉरपोरेट जगत भी गौर कर रहा है और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? बिल्कुल, जो जो फैक्ट्रीज के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो ऑफिसेज के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे इस अनलॉक वन में कहा गया कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए एसओपीज बनाए जाएंगे, उद्योग जगत उसका स्वागत करते हैं, उद्योग जगत ये सारे एसओपीज को फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी आती है वो आप और हम, वो सारे जो नागरिक हैं इस देश में, कि वो भी इन जो सोशल डिस्टेंसिंग की, दो गज की जो दूरी का जो नारा किया गया है, और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना, वो सबसे अहम बात हो गई। क्योंकि अगर हम सब सतर्क रहें और हम सब होशियारी से इन नियमों का पालन करें तो वो एक बहुत बड़ा कदम होगा कि देश इस कोविड के फैलने पे एक काबू पा सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी एक तरीके से बढ़ सकती है, और लोगों जिनके पास नौकरी नहीं थी, जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं था, अब वो सब बदल सकता है। और लगभग जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था, आत्मनिर्भर भारत के एक बहुत बड़ा कदम है। चुनाव जी, एक बात जो महसूस की जा रही है वो ये भी कि श्रमिक अपने गांव, अपने गृह राज्यों की ओर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ऐसा राज्य है जो इन्हीं श्रमिकों को, जो वापस पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के श्रमिक, उनको लेकर स्किल मैपिंग कर रहा है, किस तरीके से उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाए। 10.5 लाख से ज्यादा की रिक्वायरमेंट उद्योगों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के उद्योगों के द्वारा मुख्यमंत्री को दी जा चुकी है। कहां तक आपको लगता है कि ये जो तस्वीर है, श्रमिकों की उपलब्धि, कच्चे माल की उपलब्धि और वर्किंग कैपिटल की उपलब्धि, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उद्योगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, कहां तक आपको लगता है कि अब अनलॉक वन इन मुद्दों पर भी गौर करते हुए एक बेहतर माहौल काम करने का उद्योगों को दे पाएगा? तो आपने तीन चीजें का जिक्र किया था वापस जी। एक तो पहले है जो वर्किंग कैपिटल वगैरह, उसमें जो आत्मनिर्भर पैकेज जिसके द्वारा एमएसएमई के लिए जो 3 लाख करोड़ का एक जो फंड क्रिएट किया था 100% गारंटी के लिए, वो बहुत ही फायदेमंद होगा इस समय मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को उसमें, और उसमें एक ऑटोमेटिक रूट का एक ऐलान किया गया था। अगर अब अगले 3-4 दिन में अगर ये उनके सारे जो प्रोसीजर्स है वो फ्रेम किया जाए तो उनके लिए ये कैपिटल की एक सुविधा होगी। दूसरी बात है जो मैपिंग की है लोगों में, उनके उनके दो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक, अगर जो इंडस्ट्री उस इलाके में
उन लोगों की उनकी जरूरत है, और वो जो श्रमिक है कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं काम करने के लिए, वहां पे मैचिंग का एक प्रावधान है। और जो जिन छोटे और बड़े कारीगर को कंपनीज को वैसे कारीगर चाहिए, उनकी मैचिंग करके उनका प्रोडक्शन जारी करना चाहिए। और तीसरा, क्योंकि अभी इंटरस्टेट ट्रैवल एक तरीके से अलाउ कर गया है, जो श्रमिक जो वापस आना चाहते हैं अपने काम में, क्योंकि काफी लोग हैं जो वापस आना चाहते थे लेकिन उनके पास साधन नहीं थे, क्योंकि वो या तो हार्वेस्टिंग के लिए गए थे, या तो सोइंग करने के लिए गए थे, या कोई लोग तो होली की छुट्टी के लिए गए थे, तो वो लोग वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि कोई ना तो रेल की सुविधा था ना बस की सुविधा थी। तो वो ये अनलॉक वन में उस उनको भी एक साधन मिल जाएगा कि वो वापस अपने जो काम पे जाए जी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले। बिल्कुल। दिलीप जी बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ संजय सिंह भी बने हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, अनलॉक वन नाम दिया गया है इन दिशा निर्देशों को। महत्वपूर्ण बात समझने की ये भी है कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इससे तो संक्रमण बढ़ जाएगा, तो उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा, ये बात स्पष्ट की गई है। क्या आप मानते हैं कि अब जिम्मेदारी उन तमाम एजेंसियों की और राज्य सरकारों की बहुत बढ़ जाएगी जिनको बहुत स्पेसिफिकली इस कंटेनमेंट जोन की मार्किंग करनी होगी, इसको पहचान करना होगा, बफर जोन की पहचान करनी होगी, ताकि जो संक्रमित लोग हैं उनसे संक्रमण ना फैले? देखिए, इसमें एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो लेटर है देशवासियों के नाम, जी और साथ में उनका जो ऑडियो जो लेटर का था वो रिलीज हुआ था, और उसमें इस बारे में भी बात उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और जो कोविड के जो वेरियस इम्पैक्ट्स हैं और हमें आर्थिक जगत में कैसे एक्टिविटी को रिज्यूम करना है उस बारे में बात थी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, और ये बात की जा रही थी कि ये लॉकडाउन 5.0 किसी नोमेनक्लेचर में तो आएगा लेकिन रिलैक्सेशन जरूर ज्यादा बढ़ेगा। अब आज एक ऐसी स्थिति है कि एक तरफ आप लॉकडाउन 5.0 की भी बात करते हैं और एक तरफ अनलॉक 1.0 की भी बात करते हैं। अनलॉक 1.0 जो है इस मामले में काफी अहम है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को छूट मिलती है खुलने की, जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, और जी ये बहुत बड़ी चीज है। और जैसे शॉपिंग मॉल भी उसके एसओपी आने हैं, दिलीप चिनॉय साहब बता रहे थे, लेकिन उसके साथ देखिए क्या है कि एक साइकोलॉजिकल काफी बड़ा बूस्टर है कि हम जिस पैनिक के स्थिति में हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, आप जो कंफाइनमेंट जोन की बात कर रही हैं, जो स्टेट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट की एजेंसीज हैं, लोकल एजेंसीज हैं, उनका कार्य बढ़ता है। लेकिन एक चीज इस दरमियान हम ये भी देखेंगे कि लॉकडाउन 1, 2, 3 में और लॉकडाउन 4 में जो कंटेनमेंट जोन थे, जहां अगर ऐसे केसेस हुए, मान लीजिए हमारे मोहल्ले में हुए, तो पहले जितनी मतलब तीव्रता और जितनी क्या कहिएगा जिस तरह के एक्शन से कि पूरा का पूरा इलाका वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता था, अब ज्यादातर केसेस में उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये जी एक फर्क जो अभी भी हालांकि मापदंड वही है 250 मीटर का, लेकिन फिर भी ये चीज हम देख रहे हैं, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होती है। और बहुत सारे केसेस में रेसिडेंट्स का भी ये कहना था कि अगर किसी जगह एक किसी फ्लोर पे होता है या किसी एक बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एक टावर में होता है तो पूरे के पूरे वो जो जोन है, पूरे के पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्यों कंटेनमेंट जोन में डाला जाए, तो ये एक बड़ा पहल है। दूसरी जी चीज ये है कि इंटरस्टेट मूवमेंट जो खुला है उसमें एक चीज पे मुझे थोड़ी आशंका है कि जैसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंटर स्टेट मूवमेंट को, हालांकि इसमें ज्यादा क्लैरिटी है इस बार का जो आज का एमएचए गाइडलाइंस है, इंटर स्टेट मूवमेंट पहले भी खुला था लेकिन एनसीआर में इन पर्टिकुलर नोएडा, गाजियाबाद या गुड़गांव में उनको वहां के डीएम ने रोक लगा थी, और बिल्कुल नोएडा में कंफ्यूजन ये काफी ज्यादा था, गाजियाबाद में काफी ज्यादा था, फिर हम गुड़गांव की सड़कों पर देख रहे थे। तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर कैसे रिएक्ट करता है। वैसे भी संजय जी, क्योंकि ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो प्रशासन है, वो अपने स्तर पर जो हालात है उनको देखते हुए निर्णय ले सकता है, पाबंदी बढ़ा भी सकता है, तो ये जिला प्रशासन पर, राज्य सरकार के ऊपर ये छूट भी दी गई है। लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक संकेत महत्वपूर्ण है जो आज के दिशा निर्देश में सामने आया, और वो है शैक्षणिक संस्थानों को लेकर। ये कहा गया है कि
जुलाई में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले विभिन्न हितधारकों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, संस्थानों के साथ एक लंबे बातचीत की प्रक्रिया चलेगी, विमर्श की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये जो संकेत दिया गया है कि अब शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की भी कोशिश की जा रही है, ये संकेत कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई स्कूलों ने तो, दिल्ली की अगर हम बात करें तो, यहां तक कह दिया छात्रों को कि इस पूरा साल स्कूल नहीं खुलेंगे। इस संकेत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो अब क्लैरिटी ये आ गई कि जुलाई तक स्कूल खुलेंगे नहीं। किसी समय जुलाई में स्कूल या कॉलेज लेटर पार्ट ऑफ जुलाई में खुल सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो समर वेकेशन इन्हीं के इसी समय आता था, वो एक तरह से समर वेकेशन आप इसको मान लीजिए। उसके बाद जब खुलेंगे, इशू ये आता है कि एग्जाम्स का क्या होगा। जैसे कई जगह फाइनल ईयर के तो एग्जाम किसी फॉर्म में लिए जाएंगे, क्या बाकी जगह को प्रमोट किया जाएगा, फिर नया जो सेशन शुरू होगा वो कब से शुरू होगा। लेकिन मैं इस चीज को इसलिए थोड़ा अहम मानता हूँ कि एक क्लैरिटी इस इशू पे मिला है। जो बच्चे जहाँ किसी तरह का और भी कोर्स करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है, कोई किसी तरह की और किसी एक्टिविटी में इंगेज करना चाहता है, किसी और तरह की इनोवेटिव या सोशल वर्क में अपने आप को इंगेज करना चाहता है, तो उसके सामने एक टाइमलाइन है, उसके पेरेंट्स के सामने एक टाइमलाइन है, टीचर्स के सामने एक टाइमलाइन है, जो टाइमलाइन अभी तक सामने नहीं था। तो एक ये इस टाइमलाइन का आना वो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा एक चीज पे मैं और अगर कहना चाहूँ कि जो चीज श्रमिकों की बात हो रही थी, हमने वो कई जगह ये देखा है, चिनॉय साहब ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं अपने इंटरेक्शन के दौरान अपने मित्रों से, अपने जानकारों से, कि बहुत सारे जगह से जहाँ श्रमिक वापस लौट आए हैं, वहां श्रमिकों की जरूरत है, और कई जगह पे उनके जो पिछला जो वेतन था, एक तरफ जरूर सैलरी वो कट हो रहा है काफी सारे प्राइवेट सेक्टर्स में, लेकिन श्रमिकों के साथ की सुविधाएं वो जरूर बढ़ाई जा रही। और कुछ इंस्टांस हमने ऐसे भी हम देख रहे हैं जिसमें कि वो श्रमिक वापस आना चाह रहे हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जिन्हें हमें देखना बहुत जरूरी है, और ये देखना होगा कि अनलॉक वन में जो छूट दी जाएगी उसके तहत जो एसओपी बार बार कहा जा रहा है कि इनका पालन करिए, जो दिशा निर्देश बार बार दिए जा रहे हैं कि इनका पालन करिए, उनका पालन करना भी जरूरी है। आपको लगता है कि कुछ एक निर्णय ऐसे भी हैं जिन्हें उसके आकलन के आधार पर ही लिया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ एक जगह है जहां प्रतिबंध अभी जारी है, आप सामुदायिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, अभी सिनेमा घर नहीं खुले हैं, यानी बहुत सारे लोग जहां इकट्ठा हो रहे हैं उन जगहों पर अभी भी प्रतिबंध है, तो ये माने कि दारोमदार अब जनता के ऊपर भी है। देखिए, एक चीज क्या हो रहा है पिछले दो महीनों में, और प्रधानमंत्री ने सीधा जो संवाद किया है जनता के साथ और लगातार किया है, आज भी एक साल पूरे होने पर जो संवाद किया है, कि इस प्रक्रिया में और लॉकडाउन होने में जनता, लोग जो है वो खुद भी काफी तौर पर जागरूक हो गए। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग, आप चाहे मार्केट सेंटर में जाइए, हाँ कुछ अपवाद स्वरूप यहाँ वहाँ 130 करोड़ जनता की देश में ये जरूर होगा, लेकिन ब्रॉडली हर आदमी उस चीज को फॉलो कर रहा है। आप सैनिटाइजेशन अपने खुद की जो पर्सनल हाइजीन है या आपके आसपास के इलाकों का जो सैनिटाइजेशन है उसके बारे में आप काफी कॉन्शियस होते हैं। तो ये मॉल्स और रेस्टोरों और बाकी हॉस्पिटैलिटी या जो ट्रांसपोर्ट खुलने की बात है या इंटरस्टेट मूवमेंट खुलने की बात है, तो वो जागरूकता जो आई है वो काफी हेल्प करेगी। मुझे केवल एक चीज पे थोड़ी सी अगर क्लैरिटी होती तो शायद अच्छा होता। पहले अभी तक ये कहा गया था कि जैसे जो गाड़ियों में सफर करें